नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में अंबाला जिले की बात करेंगे। तो अंबाला की सबसे पहले बात करते हैं स्थापना। तो जो अंबाला जिले की जो स्थापना रहेगी वह रहेगी 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अंबाला जिले की स्थापना रहेगी 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद बात करते हैं स्थिति। अंबाला की जो स्थिति रहेगी वह हरियाणा के उत्तर में रहेगा अंबाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मंडल की। तो जो अंबाला मंडल रहेगा वह अंबाला मंडल में ही रहेगा, ठीक है। जो अंबाला रहेगा वह अंबाला मंडल में ही रहेगा। अंबाला मंडल में और कौन से जिले आते हैं? एक तो यमुनानगर आता है, ठीक है, एक पंचकूला आता है, एक कुरुक्षेत्र आता है, ये अंबाला मंडल में आते हैं। अगर अंबाला की उपनाम की बात करें तो अंबाला का जो उपनाम रहेगा, एक तो मिक्सी सिटी रहेगा, मिक्सी सिटी, एक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, और एक रहेगा वैज्ञानिक सिटी, वैज्ञानिक सिटी, एक रहेगा वैज्ञानिक सिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो अंबाला जिला है वह किसके नाम पर जो जिला बसाया गया था। सबसे पहले देखो, जो अंबाला है वह महाभारत में अंबालिका, अंबालिका के नाम पर बसाया गया, अंबालिका के नाम पर बसाया गया था अंबाला। और एक यहां पर आम है ना, अंबाला में आम के जो बाग है, बाग अधिक होने के कारण अंबाला का जो जिला, अंबाला जिला रहेगा, आम के जो बाग है वो अधिक होने के कारण अंबाला जिला बसाया गया। उसके बाद बात करते हैं एक बार अंबाला की। तो 14वीं शताब्दी में एक अंबा राजपूत द्वारा यह जिला बसाया गया, ठीक है, इसके नाम पर नाम पड़ा इसका। तो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार, एक देखो जो अंबाला को वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, तो जो अंबाला है इसमें जो भारत के जो वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं उसमें जो 35% है वैज्ञानिक उपकरण वो अकेले अंबाला में बनते हैं, ठीक है, इसीलिए अंबाला को वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, ठीक है, अंबाला को वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं गुरुद्वारे की। जो अंबाला जिले में गुरुद्वारे कौन कौन से रहेंगे? एक तो देखो गुरुद्वारा रहेगा मंजी साहिब। जो गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा तो ये कहां पर रहेगा? ये रहेगा अंबाला, ठीक है, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा रहेगा ये रहेगा अंबाला में। एक बात करते हैं जो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा वह रहेगा कैथल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब, जो गुरुद्वारा मंजी साहिब रहेगा ये रहेगा रोहतक में, ठीक है। तो जो मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा ये रहेगा अंबाला में, ठीक है, जो मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा ये अंबाला में रहेगा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में रहेगा, और गुरुद्वारा मंजी साहिब रहेगा ये रोहतक में रहेगा, ठीक है। एक गुरुद्वारा और है अंबाला का, तो जो गुरुद्वारा रहेगा गुरु गोविंद साहिब गुरुद्वारा, गुरु गोविंद साहिब जो गुरुद्वारा रहेगा, गुरु गोविंद साहिब गुरुद्वारा, यह जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी थे, उनके सम्मान में निर्मित है, ठीक है। जो गुरु गोविंद साहिब गुरुद्वारा रहेगा, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके सम्मान में निर्मित रहेगा ये, ठीक है। तो गुरुद्वारा गोविंद साहिब रहेगा यह अंबाला में रहेगा, अंबाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक और गुरुद्वारा है, सूरज कुंड गुरुद्वारा।
एक रहेगा सूरज कुंड गुरुद्वारा। जो सूरज कुंड गुरुद्वारा है यह भी अंबाला में रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति की। तो जो अंबाला में प्रसिद्ध व्यक्ति, देखो प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं, एक तो रहेगी जूही चावला। जूही चावला, ये जूही चावला रहेगी, ठीक है, अंबाला से। उसके बाद एक रहेगी परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा ये भी हीरोइन रहेगी, ठीक है। एक रहेगा ओमपुरी, जो ओमपुरी है यह भी अंबाला से रहेंगी। उसके बाद एक है सुचेता करपलानी। सुचेता करपलानी, एक रहेगी जोहराबाई। जोहराबाई, ये जो जोहराबाई है यह गजल गायिका रहेगी। यह पांचों जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो अंबाला से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेले की, जो अंबाला में कौन कौन से मेले रहेंगे, ठीक है। एक तो जो अंबाला में मेला रहेगा, एक तो रहेगा वामन द्वादशी का। वामन द्वादशी का, वामन द्वादशी का मेला रहेगा, यह रहेगा वामन द्वादशी का मेला गुरुग्राम में, ये अंबाला में रहेगा। और ये भादो में, भादो मास में द्वादशी को, द्वादशी को यह मेला लगता है, वामन द्वादशी का मेला, यह अंबाला में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं गोगा नवमी का मेला। गोगा नवमी का जो मेला रहेगा यह भी भादो मास में ये मेला लगता है अंबाला में। उसके बाद बात करें एक रहेगा शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला रहेगा तो ये मेला अंबाला में रहेगा, त्रिलोकपुरी में। अंबाला में त्रिलोकपुरी में रहेगा शारदा देवी का मेला। एक मेला और है तीज सावन का मेला। तीज सावन का मेला, तो ये तीज सावन का मेला है यह भी अंबाला में रहेगा, और अंबाला के पंजीखेड़ा में। पंजीखेड़ा में, जो पंजीखेड़ा में ये मेला रहेगा, जो तीज सावन का मेला रहेगा पंजीखेड़ा में अंबाला में रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेले के बाद विश्वविद्यालय की। जो अंबाला विश्वविद्यालय रहेगा, देखो अंबाला में जो विश्वविद्यालय रहेगा वह रहेगा महर्षि मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय रहेगा। विश्वविद्यालय, जो महर्षि मार्कंडेश्वर रहेगा विश्वविद्यालय, यह रहेगा मुलाना गांव में। मुलाना गांव में रहेगा, ये मुलाना गांव है ना, ये अंबाला में, ठीक है। जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय रहेगा यह रहेगा अंबाला में, मुलाना गांव में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो प्रसिद्ध उद्योग है वह कौन कौन से उद्योग हैं, ठीक है। अंबाला में जो उद्योग रहेंगे, सबसे पहले देखो एक तो रहेगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट कारखाना, ऐसे कह दो सीमेंट कारखाना। जो सीमेंट कारखाना है ये अंबाला में रहेगा। एक रहेगा सीमेंट के बाद सिलाई मशीन, जो सिलाई मशीन रहेगा, सिलाई मशीन कारखाना रहेगा, ठीक है। सीमेंट हो गया, सिलाई मशीन हो गया, जो वैज्ञानिक उपकरण की मैंने आपको बात बताई थी, जो 35% हिस्सा भारत का वो अंबाला जिला ही बनाता है, ठीक है। एक है रेलवे, रेलवे वर्कशॉप, जो रेलवे वर्कशॉप रहेगा यह भी अंबाला में रहेगा, ठीक है। एक है खाद प्रसंस्करण, जो खाद प्रसंस्करण रहेगा यह भी अंबाला में रहेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कारखाने मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक कारखाने रहेंगे, ठीक है, ये अंबाला में रहेंगे, ये उद्योग रहेंगे अंबाला में। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारे हो गए हमारे, उसके बाद हम बात करते हैं मंदिर की।
अंबाला में कौन सा मंदिर रहेगा, ठीक है? एक तो रहेगा अंबालिका मंदिर, अंबालिका मंदिर। देखो ये अंबालिका मंदिर है ना, यह पांडवों ने एक तो अंबा, एक अंबिका, एक अंबालिका, अंबालिका, अंबा, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों की याद में माता भवानी का, माता भवानी का मंदिर बनवाया था पांडवों ने, बनवाया था, ठीक है? इन तीनों की याद में बनवाया था, ठीक है? तो एक तो अंबालिका जो है उसका मंदिर रहेगा, एक रहेगा माता दुख भंजनी का मेला, एक रहेगा माता दुख भंजनी का मेला। ये जो ये दो मंदिर रहेंगे अंबाला में, माता दुख भंजनी का है और एक है अंबालिका का मेला, ठीक है? ये अंबाला में रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं दरगाह की। देखो अंबाला में दरगाह की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दरगाह की, नौ गजा, नौ गजा पीर की दरगाह, नौ गजा जो पीर की दरगाह है यह अंबाला में रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो पीर बाबा है उनकी लंबाई रहेगी नौ गज की रहेगी, ठीक है? नौ गज का मतलब होता है जैसे एक गज है उसमें तीन फुट होता है, तो नौ गज है तो सत्ताईस फुट, सत्ताईस फुट की लंबाई होगी। नौ गजा पीर की दरगाह है, सत्ताईस फुट के पीर बाबा रहेंगे इसमें, ठीक है? इनकी दरगाह है। नौ गजा पीर की बात करें तो यहाँ पर सारी मन्नतें पूरी हो जाती है और मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है? घड़ी चढ़ाई जाती है यहाँ पर नौ गजा पीर की दरगाह, तो अंबाला में रहेगी, ठीक है? उसके बाद बात करें कि नाग बाबा पीर दरगाह। देखो एक है नाग बाबा पीर दरगाह, ये जो नाग बाबा पीर दरगाह है यह भी अंबाला में रहेगी। अगर ये नौ गजा पीर की बात करें तो ये कहाँ पर रहेगी? देखो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से शाहबाद से 7 किलोमीटर दूर पर रहेगी, ठीक है? यह हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से शाहबाद से 7 किलोमीटर दूरी पर रहेगी नौ गजा पीर की दरगाह, और यह अंबाला में रहेगी नौ गजा पीर की। और जो नाग बाबा पीर की दरगाह रहेगी, जो नाग बाबा पीर की दरगाह रहेगी यह रहेगी अंबाला में, ठीक है? और ये एयरफोर्स स्टेशन है, ये जो नाग बाबा जो पीर की दरगाह रहेगी ये है एयरफोर्स, एयरफोर्स, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर रहेगी नाग बाबा पीर की दरगाह, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं दरगाह के बाद में, राय बहादुर लाल मुरलीधर, मुरलीधर, तो जो बाबा जो राय बहादुर लाल मुरलीधर है इनका जो जन्म है वह तो पलवल में हुआ था, ठीक है? और जो 1886 में जो कांग्रेस की, जो कांग्रेस की जो पहली शाखा है वह राय बहादुर लाल मुरलीधर हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में लेके आए, ठीक है? अंबाला में सबसे पहले लेके आए राय बहादुर लाल मुरलीधर है, इनका जन्म तो रहेगा पलवल में। और ये जो राय बहादुर लाल मुरलीधर है यह 1886 में जो कांग्रेस की जो पहली शाखा है वह अंबाला में लेकर आए, ठीक है? अगर बात करें अंबाला की तो सबसे पहले की बात करें, देखो एक तो सबसे पहले हरियाणा में डाक सेवा, ये जो डाक सेवा है हरियाणा में सबसे पहले 1860 में, 1860 में अंबाला में सबसे पहले डाक सेवा अंबाला में आई, ठीक है? उसके बाद बात करें समाचार पत्र की, तो जो समाचार पत्र रहेगा, देखो जैन प्रकाश, जैन प्रकाश जो समाचार पत्र है वह किसका है? जैन प्रकाश समाचार पत्र है जियालाल जैन का, जियालाल जैन का, ये जैन प्रकाश समाचार पत्र है, ये एक हिंदू समाचार पत्र है, हिंदू समाचार पत्र रहेगा, जियालाल जैन द्वारा प्रकाशित किया गया 1885 में, ठीक है? जैन प्रकाश समाचार पत्र है, यह सबसे पहले अंबाला से प्रकाशित हुआ, ठीक है? समाचार पत्र की हो गई, डाक सेवा की बात हो गई। अगर बात करें सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे, देखो अंबाला में एक तो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा
नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे है वह सबसे ज्यादा अंबाला में है। ठीक है, समाचार पत्र हो गया, डाक सेवा हो गई, उसके बाद बात करते हैं एक हरियाणा में। देखो सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, जो क्रांति 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला में छावनी में आई, अंबाला, अंबाला छावनी में, जो 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले अंबाला छावनी में आई। ठीक है, और बात करें ये कब आई, तो 10 मई 1857 को आई। ठीक है, ये 10 मई 1857 को यह क्रांति आई। ठीक है, सबसे पहले अंबाला में आई 1857 की क्रांति। उसके बाद बात करें, उसके बाद देखो एक बात करते हैं नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे, तो ये नथुराम गोडसे है, इनको फांसी की सजा है वह अंबाला जेल से सुनाई गई। ठीक है, जो नथुराम गोडसे है इनको फांसी की सजा अंबाला जेल से सुनाई गई। तो जो नथुराम गोडसे है तो यह है ना महात्मा गांधी के हत्यारे थे। ठीक है, महात्मा जो गांधी है उसके हत्यारे थे ये। ठीक है, नथुराम गोडसे जो अंबाला में, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। और बात करें इन्होंने गोली कब मारी, जैसे महात्मा गांधी को गोली मारी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, महात्मा गांधी को गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 में, नथुराम गोडसे की बात हो गई। उसके बाद बात करें अंबाला उत्तरी, जो उत्तरी रेलवे जोन है, जो उत्तरी जो रेलवे जोन है, मैंने आपको बताया हरियाणा में जो अंबाला है वह उत्तरी, जैसे उत्तर में स्थित रहेगा, तो उत्तरी रेलवे का जो मंडल रहेगा, रेलवे का जो मंडल रहेगा वह अंबाला ही रहेगा। ठीक है, उत्तरी रेलवे जोन का जो मंडल रहेगा वह अंबाला में ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एक बार आर्यो की राजधानी। देखो एक है आर्यो की जो राजधानी है, आर्यो की जो राजधानी रहेगी वह अंबाला रहेगी, वह रहेगी अंबाला, आर्यो की जो राजधानी रहेगी वह अंबाला ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक बार अंबाला छावनी की जो स्थापना। देखो जो अंबाला, अंबाला जो छावनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1848 में। अंबाला जो छावनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1843 में, 48 में नहीं, 1843 में हुई थी। अंबाला छावनी की जो स्थापना है 1843 में हुई थी। ठीक है, जो हमारा अंबाला जिला है वह कंप्लीट होता है। ठीक है,